हूँ पीके बैद, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जो तैयारी चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे आयुर्वेदिक उपचारिका और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, जो आयुर्वेदिक उपचारिका और आयुर्वेद फार्मासिस्ट के विगत वर्षों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन्हीं को मैं सॉल्व करा जा रहा हूँ, और आने वाले समय में इन्हीं में से कुछ प्रश्नों को आपको मिलेगा देखने को। तो इस वीडियोस को आप विधिवत देखिए और लगातार तैयारी कीजिए। पिछले वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत कीजिए। प्रश्न नंबर 33 की चर्चा करेंगे। 32 प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को करा दिया था प्रीवियस वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस को देख के अपनी तैयारी कीजिए। ये कौन सी धातु जीवन है? रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, शुक्र धातु, कौन सी धातु जीवन है ये बता दीजिए आप लोग। तो इसमें होगा जो है 33 में कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें बी विकल्प सही होगा, यानी रक्त धातु जो है ये क्या होगा, आपका जो है जीवन है। रक्त अगर आपके शरीर में नहीं है, रक्त की कमी हो गई, एनीमिया हो गया, तो आपका जीवन जो है संकट में आ जाएगा, इसीलिए रक्त धातु को जो है जीवनीय धातु कहा गया है। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। शरीर में पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती है? शरीर में पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती है? तो 34 का विकल्प डी सही होगा, चार, चार की संख्या में पैराथायराइड ग्लैंड होती है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। प्राकृतिक श्लेष्मा को कहा जाता है, प्राकृतिक श्लेष्मा को कहा जाता है अपर ओज, पर ओज, मज्जा और शुक्र, तो इसमें अपर ओज को जो है प्राकृतिक श्लेष्मा कहा जाता है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। अग्न्याशय में कौन सा विपाक होता है? अग्न्याशय में कौन सा विपाक होता है? 36 का बी होगा अम्ल विपाक। क्या होगा? अम्ल विपाक होता है, इसमें जो है आप लोग इसको जाने रहेंगे, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। अग्नियों में किस अग्नि को प्रधान अग्नि माना गया है? तो इसमें दिया है भूत अग्नि, धात्विक अग्नि, जठराग्नि, उपयुक्त कोई नहीं, तो कौन सा होगा? 36 का सी होगा, जठराग्नि। महर्षि चरक ने लिखा है कि अगर आपके जठराग्नि यानी पाचन की जो कार्य करती है, एक अग्नि तो होती है जो आपके चूल्हे में जलती है यानी भोजन को पचाती है, और दूसरी अग्नि जो है जो आपके पेट में जलती है, यानी जब भी आप कुछ खाते पीते हैं तो आपके पेट में एक अग्नि जलती है जिसे जठराग्नि बोला जाता है। इस जठराग्नि का अगर आपके शरीर में मंद हो गई है, जठराग्नि आपकी जो है कमज़ोर हो गई है, तो आपको नाना प्रकार की व्याधियाँ घेर लेती हैं और आप बीमार हो जाते हैं, और आपके पेट में जो है सही से भोजन का पाचन नहीं होता है, और अगर भोजन का सही से पाचन नहीं होगा तो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र का निर्माण नहीं होगा सही ढंग से, और आपका शरीर बीमारियों का घर हो जाएगा। तो इसीलिए सभी व्यक्तियों को ये प्रयत्न करना चाहिए कि अपने शरीर में जठराग्नि को कभी भी मंद नहीं होने देना चाहिए, और इसके लिए मैं आप लोगों को एक साधारण सा उपाय भी बताए दे रहा हूँ। खाना खाने के आधे घंटे पहले आपको भर पेट, आधा पेट जो है सलाद में, जैसे गाजर है, ककड़ी है, खीरा है, और जो है चुकंदर है, ये सारी चीज़ों को जो है एक प्लेट में जो है काट के और बैठ के आधा पेट सलाद खाना चाहिए, और आधा पेट सलाद खाने के बाद में आधा पेट आपको जो है चावल, दाल, रोटी, सब्जी जो आप भोजन करते हैं वो करना चाहिए। कभी भी आपको जो है मंदाग्नि यानी की समस्या नहीं होगी। आपकी जठराग्नि, जैसे आप सलाद खाते हैं तो आपकी जठराग्नि बहुत तीव्र हो जाएगी और आपको भोजन का पाचन बढ़िया होगा। प्रश्न नंबर 38 देख लेंगे। 38 में दिया है मन के भेद हैं, मन के भेद हैं, मन के भेद कितने हैं? 38 में बी दिया हुआ है, यानी कि दो होगा, मन के भेद कितने हैं? दो होंगे। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। शुक्र में रसों की संख्या है, 39 शुक्र में रसों की संख्या कितनी है? तो 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1, 4 कितना होगा, आप लोग जान रहे हैं तो टिक कर दीजिए। 39 का बी विकल्प सही होगा, यानी 6 होते हैं, शुक्र में रसों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। पित्त का गुण होता है, पित्त का क्या गुण होता है? तो ये होगा स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण
और द्रव अम्ल कटु उपयुक्त, तो सभी उपयुक्त तो कोई नहीं, तो इसमें जो है आपका विकल्प सही हो जाएगा सी विकल्प, उपयुक्त तो सभी। ये आपका स्नेह भी होगा, उष्ण होगा, तीक्ष्ण होगा, द्रव है, अम्ल है और कटु है। पित्त के इतने गुण होते हैं, 6 प्रकार के गुण जो है पित्त में, 6-7 प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसमें आपका विकल्प उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा। 40 नंबर का आपका विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। 41 नंबर में प्रश्न दिया हुआ है कि सोम आत्मक स्निग्ध मृदु आदि किसका गुण है। सोम आत्मक स्निग्ध मधु आदि किसका गुण है। शुक्र कफ ओज मेद, 41 का सी सही होगा, ओज। ये सोम आत्मक होगा, स्निग्ध और मृदु होगा, ओज होगा, इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, रस संवाहन व स्वेद प्रवर्तन किसका कार्य है। रस संवाहन व स्वेद प्रवर्तन किसका कार्य है। प्राण वायु, व्यान वायु, उदान वायु, अपान वायु, कौन सा होगा बता दीजिए। 42 का विकल्प भी सही होगा, व्यान वायु। रस संवाहन व स्वेदन प्रवर्तन किसका कार्य है, व्यान वायु का, नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, एक सामान्य व्यक्ति का सामान मोनोसाइट काउंट कितनी होती है। मोनोसाइट्स काउंट कितनी होती है, 1 से 2%, 2 से 10%, 0 से 5%, 20 से 30%। 43 का आपका भी विकल्प सही होगा, 20 से 2 से 10%, नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। प्रश्न नंबर 44 देख लेंगे, मूत्र में प्रतिदिन उत्सर्जन होने वाली फास्फेट की मात्रा कितनी है। आपके यूरिन में जो प्रतिदिन आप यूरिन को उत्सर्जित करते हैं, उसमें जो फास्फेट की मात्रा होती है कितनी होती है बता दीजिए, अगर आप लोग जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, नहीं जानेंगे तो परीक्षा में आएगा तो क्या करेंगे, बैठे रहेंगे मुँह के। इसलिए आप लोग 44 का विकल्प जानिए, और इसमें जो है 44 में आपका विकल्प कौन सा सही होगा, बी विकल्प सही होगा, यानी 4 से 8 ग्राम कितना होगा, 4 से 8 ग्राम की मात्रा में ये आपकी संख्या में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, गर्भावस्था में सर्वप्रथम किस सारभूत द्रव्य की उत्पत्ति होती है। गर्भावस्था में सर्वप्रथम किस सारभूत द्रव की उत्पत्ति होती है। 45 का कौन सा विकल्प सही होगा, ये होगा ओज। ओज की जो है उत्पत्ति गर्भावस्था में ही होती है, नोट करिए। प्रश्न नंबर 46 देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मन अहंकार व बुद्धि को कहा जाता है, मन अहंकार व बुद्धि को कहा जाता है। अहंकार वाह इंद्रिय प्रकृत अंतरेंद्रिय कौन सा होगा, 46। 46 का जो है डी विकल्प सही होगा, अंतरेंद्रिय जो है कहा जाता है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, स्वेद व अम्ब व स्त्रोत में कौन सा दोष अवस्थित है, कौन सा होगा। व्यान वायु, भाजक पित्त, समान वायु, उदान वायु, कौन सा होगा। 47 का सी विकल्प सही होगा, समान वायु, क्या होगा, समान वायु, इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, हत पीड़ा कंप शून्यता तीक्ष्णता किस धातु के क्षय के लक्षण है। रस क्षय, रक्त क्षय, मांस क्षय, शुक्र क्षय, 48 का ये विकल्प सही होगा, रस क्षय, रस का क्षय होने लगेगा, तो ये धातुएं आपके शरीर में ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, सर्वांग नेत्र गौरवम किसका लक्षण है। सर्वांग नेत्र गौरवम किसका लक्षण है, कफ क्षय, कफ वृद्धि, मज्जा क्षय, मज्जा वृद्धि। 49 का आपका विकल्प सही होगा डी, यानी मज्जा वृद्धि होगी। क्या है, रूषांतादा आम
शिर श्लेष्मा शून्यता किसका लक्षण है? बता दीजिए 50 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। डी विकल्प सही होगा, कफ क्षय का होगा ये लक्षण जो है, नोट कर लीजिए। मुख शोथ व पांडुता किसका लक्षण है? मुख पे जो शोथ आ जाता है, पांडुता आ जाती है, तो उसमें कौन सा लक्षण दिखता है आप लोग बता दीजिए। तो इसमें होगा ये, यानी शुक्र क्षय का जो है लक्षण दिखता है, आप लोग देख लीजिए। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, पुरीष तथा अम्ल शीत प्रार्थना किसका लक्षण है? पुरीष तथा अम्ल शीत प्रार्थना किसका लक्षण है? 52 का सी विकल्प सही होगा, रक्त क्षय। रक्त क्षय का लक्षण है, मन के गुण हैं, क्या हैं? मन के गुण हैं, आ गुणत्व एकत्व उपयुक्त दोनों उपयुक्त कोई नहीं। 53 का कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा, उपयुक्त दोनों आगुणत्व और एकत्व जो है दोनों होगा। ये BHU 2004 में पूछा गया कि मन की गुण हैं आगुणत्व और एकत्व, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 54, इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? अमीनो एसिड, स्टेरॉयड, पॉली पेप्टाइड और फैटी एसिड, क्या होगा? 54 का सी सही होगा, पॉली पेप्टाइड, क्या होगा? पॉली पेप्टाइड, नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिदंड है? निम्नलिखित में से कौन सा त्रिदंड है? त्रिदंड कौन सा होगा? तो इसमें होगा शरीर स्वत्व तथा आत्मा जो है ये त्रिदंड होगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे, आरोग्य गर्भ का कौन सा भाव है? रसज भाव, आत्मज भाव, पित्तज भाव, साम्यज भाव, कौन सा होगा? 56 का डी सही होगा, साम्यज भाव, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 57 देखेंगे, कर्म पुरुष के गुण हैं, कर्म पुरुष के गुण हैं, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? नोट करिए आप लोग फटाफट, 57 का भी विकल्प सही होगा, यानी प्राण अपान उन्मेष निमेश बुद्धि मन संकल्प, क्या होगा? यही होगा आपका जो है सही होगा, नोट कर लीजिए बी विकल्प। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे, प्रश्न नंबर 58 में दिया है कि गर्भ में चसुवा रूप की उत्पत्ति किस महाभूत से होती है? 58 का भी होगा, तेज से होती है, नोट कर लीजिए। 59 देखेंगे, मानस गुण है, मानस गुण है, 59 का डी सही होगा, यानी रज व तम जो है क्या है? मनुष्य का गुण है, मानस का गुण है। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, रज है, रज क्या होगा? प्रश्न नंबर 60 का गुण दोष अशुद्ध द्रव और उपयुक्त सभी, तो ये क्या है? उपयुक्त सभी, इसमें जो है तीनों चीज़ें होती हैं, तो इसको उपयुक्त सभी विकल्प सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, इसमें दिया है चरक संहिता के अनुसार बल के प्रकार हैं, क्या हैं? बल के प्रकार हैं, 61 का डी होगा, यानी सहज का जल युक्त कृत, ये आपका जो है विकल्प सही होगा, नोट करिए। 52 का देखेंगे, सुख की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है इंद्रार्थ के सम्यक योग से, इंद्रार्थ के सम्यक योग से, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, स्लिम आलिंगने धातु से किस शब्द की निष्पत्ति होती है? 63 का सी होगा, श्लेष्मा, श्लेष्मा से होती है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे, 64 में दिया हुआ है कि समान वायु की विकृति से कौन से रोग होते हैं? 64 का डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी, यानी अतिसार भी होगा, गुल्म भी होगा, मंदाग्नि भी होगी, इसे नोट कर लीजिए भैया, इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे, प्राण वायु का निम्नलिखित कर्म है, तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी सही होगा, डी विकल्प नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे, वाणी की प्रकृति में कौन कारण है?
वाणी की प्रकृति में कौन कारण है? 66 का सी होगा व्यान वायु, नोट कर लीजिए। 67 कोष्ठ के कितने भेद हैं? कोष्ठ के कितने भेद हैं? सी यानी 3 होते हैं, नोट कर लीजिए। बेट स्नेह किस धातु का मल है? 68 का डी होगा मज्जा धातु, नोट करिए। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर दोष धातु व मल का ओज का स्थान माना है? 69 ये होगा वात को जो है माना है, दोष धातु मल का ओज का स्थान माना है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे, प्राण या तनु में कौन सा श्रेष्ठ है? बता दीजिए 70 का कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा, यानी ओज होगा। क्या होगा? ओज होगा, नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 71 देखेंगे, मन किसके द्वारा नियंत्रित रहता है? मन किसके द्वारा नियंत्रित रहता है? तो मन वात के द्वारा नियंत्रित रहता है, नोट करिए। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे, पर ओज किस में रहता है? 72 का बी होगा पित्त में रहता है पर ओज, नोट कर लीजिए। 73 में देखेंगे, वह वायु जो कोष्ठ में विचरण करती है? 73 का डी होगा समान वायु, जो कोष्ठ में विचरण करती है। 74 देखेंगे, वह वायु जो संपूर्ण शरीर गत होती है? 74 का सी होगा व्यान वायु। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे, प्राकृतिक पित्त की उत्पत्ति होती है? 75 का सी होगा यानी अम्लपाक, इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट होगा। नंबर 76 देखेंगे, धात्विक अग्नि की संख्या है 13, 5, 8, 7, 76 डी विकल्प सही होगा, 7 है। प्रश्न नंबर 77, ऊष्मा वायु स्नेह काल योम सम योग है? 77 का ये होगा आहार परिमाणकर भाव जो है ये होगा इसका आंसर, सही नोट कर लीजिए। 78 रक्त धातु का कार्य है, रक्त धातु का कार्य है क्या है? 78 का बी यानी कि जीवन, रक्त धातु का कार्य क्या है? जीवन। 79 मेद धातु की उपधातु है, 79 मेद धातु की उपधातु क्या है? स्नायु है, उप स्नायु को जो है मेद धातु की उपधातु कहा जाता है। देखेंगे, आचार्यों ने स्तन का प्रमाण बतलाया, 4 अंजलि, 10 अंजलि, 2 अंजलि, 8 अंजलि, 80 का कौन सा सही होगा? सी सही होगा यानी 2 अंजलि, नोट कर लीजिए। 81 का देखेंगे, 81 में दिया हुआ है कि रस की उपधातु नहीं है, रस की उपधातु नहीं है तो कफ उपधातु रस की उपधातु नहीं है, मज्जा का कार्य है, मज्जा का कार्य है। 82 में मज्जा का कार्य क्या होगा बता दीजिए, इसमें होगा आपका ये विकल्प यानी अस्थिपूरण, मज्जा का क्या कार्य है? अस्थिपूरण। प्रश्न नंबर 73 देखेंगे, अपर ओज का प्रमाण है, 83 अपर ओज का प्रमाण है अर्धांजलि, अर्धांजलि जो है अपर ओज का प्रमाण है। प्रश्न नंबर 84 देखेंगे, इसमें दिया है शरीर में गति उत्पन्न करना किस धातु का कार्य है? 84 का भी होगा यानी मांस धातु का कार्य जो है गति उत्पन्न करना है। प्रश्न नंबर 85 देखेंगे, 85 में दिया हुआ है कि रस रक्त मांस मेद आदि को कहते हैं, रस रक्त मांस मेद आदि को कहते हैं। 85 का डी विकल्प सही होगा यानी धातु कहते हैं, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि और शुक्र जो है ये आपकी क्या है? धातुएं हैं, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 86 देखेंगे, स्त्रियों और बालकों में कौन सी धातु आद्यक्त होती है? प्रश्न नंबर 86 का जो है ये विकल्प सही होगा यानी शुक्र धातु जो है ज़्यादातर जो है आदित्य तो होती है, नोट करिए। नंबर 87 देखेंगे, कंडरायोम सिरा का किस धातु से पोषण होता है? 87 का आपका विकल्प सी सही होगा, रक्त धातु से जो है कंडरायोम सिरा का पोषण होता है, नोट करिए। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे, 88 में दिया है स्तन्य उपधातु को कहते हैं,
क्या कहते हैं 88 में बता दीजिए, ये विकल्प सही होगा आपके, इसे कहते हैं, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे, ओज किस धातु का प्रसाद भाग है? 89 ओज किस धातु का प्रसाद भाग है बता दीजिए। 89 का बी विकल्प सही होगा, यानी शुक्र धातु का प्रसाद भाग ओज होता है। जो निरंतर गतिशील हो उसे क्या कहते हैं? जो निरंतर गतिशील हो उसे क्या कहते हैं? 90 नंबर प्रश्न, इसमें जो है आपका डी विकल्प सही होगा, रस। जो निरंतर गतिशील हो उसे रस कहते हैं। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे, दात त्वा स्नेह जीवन तर्पण धारण आदि किसके कर्म है? 91 डी होगा, रस के कर्म है, नोट कर लीजिए। 92 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि रक्त में लगभग कितने प्रतिशत रक्त कण रहते हैं? कितने प्रतिशत रहते हैं, जो लोग जान रहे हैं बता दीजिए। 40 55 60 10, 92 का ए होगा, 45% रक्त में लगभग 45% रक्त कण रहते हैं, नोट करिए। क्या है रक्त का स्वाद क्या होता है? रक्त का स्वाद क्या होता है? अम्ल कटु नमकीन कषाय, 93 का सी होगा, नमकीन होता है। रक्त का जो है स्वाद क्या होता है? नमकीन होता है, नोट करिए आप लोग। और देखेंगे अग्नि में कुल संख्या मानी है, अग्नि में कुल संख्या मानी है 13, 3, 2, 5, 94 का ये होगा 13। प्रश्न नंबर 95 देखेंगे, पित्त का मुख्य स्थान है, 95 का सी होगा, नाभि अमाशय। पित्त का स्थान क्या है? नाभि अमाशय। प्रश्न नंबर 96 देखेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि है, 96 का सी होगा, पीयूषिका जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। 97 देखेंगे, भाजक पित्त का स्थान है, 97 का ये होगा, यानी त्वचा जो है भाजक पित्त का स्थान है। 98 दिया है कि व्यान वायु का मुख्य स्थान है, 98 का ये होगा हृदय, क्या होगा? हृदय इसका जो है मुख्य स्थान है, नोट कर लीजिए। कि तेजो जल का श्रावण किस अपव्यय से होता है? 99 तो बता दीजिए, 99 का ये विकल्प सही होगा, तारामंडल, नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे, रक्त धातु का मल है, रक्त धातु का मल है सी होगा, यानी पित्त होता है रक्त धातु का।